दिल्ली सरकार का बजट आज पेश नहीं हो पाया। विधानसभा के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा जब बजट तय तारीख पर पेश नहीं हो पाया, और इसी के साथ केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव का नया दौर शुरू हो गया है। 75 साल के इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार के बजट को पेश करने से केंद्र सरकार ने रोक दिया। वो सरकार जो 3 बार लगातार दिल्ली की जनता का प्यार और जनादेश पाकर एक मजबूत सरकार चला रही है, आज उसके हाथ बांधे जाएंगे, उसके पांव बांधे जाएंगे। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एक तरफ जहां केजरीवाल और उनके मंत्री तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के एलजी का कहना है कि उनको बजट के कुछ पोर्शंस पर ऑब्जेक्शन था जिनके लिए केजरीवाल सरकार को इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन एंड वक्त तक इन प्रोविजंस को चेंज नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि का प्रावधान रखा गया था। दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्चा क्यों किया जाता है। जब तक दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तब तक गृह मंत्रालय की तरफ से बजट को पेंडिंग रखा गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्रालय की आपत्ति वाली चिट्ठी 17 मार्च को ही भेज दी गई थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और मंजूरी ना मिलने की वजह से आज बजट पेश नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है, वो बजट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, इट इज ड्रामा। इट इज नॉट बजट, इट इज ड्रामा व्हाट अरविंद केजरीवाल वांट्स टू प्रेजेंट। वो बजट प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, वो ड्रामा प्रेजेंट करना चाहते थे और उन्होंने ड्रामा प्रेजेंट कर दिया है। खैर, इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि गृह मंत्रालय की आपत्ति वाले लेटर मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री को नहीं मिला। सीएम को कल शाम को पता चला था, क्योंकि गृह मंत्रालय ने चिट्ठी सीएम या मंत्री को भेजने के बजाय मुख्य सचिव को भेज दी थी और चीफ सेक्रेटरी ने ये बात कल शाम को उनको बताई। माना जा रहा था कि दिल्ली सरकार द्वारा पिछली बार से अधिक 80,000 करोड़ रुपए का बजट पेश होगा, जिसमें सबसे अधिक यमुना नदी के स्वच्छता और कूड़े के पहाड़ की समस्या का समाधान सहित बिजली, शिक्षा, पानी संबंधित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा बताए गए इन कारणों की वजह से आज यानी कि 21 मार्च को दिल्ली सरकार का ये बजट पेश नहीं हो पाया। बजट पर कब कब क्या हुआ, एक नजर उस पर मार लेते हैं। एलजी ने 9 मार्च को कुछ ऑब्जेक्शंस के साथ वित्तीय बजट 2023-24 को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजी। फिर दिल्ली सरकार ने इसके बाद गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी। उसके बाद गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों के साथ अवगत कराया। बजट 21 मार्च को पेश किया जाना था। उसके बाद उपराज्यपाल कार्यालय अभी मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। खैर, इन कारणों की वजह से आज दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पाया। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बाकी दिल्ली में क्या हो रहा है ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।